बहुत ही आसानी से ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर आए हैं और इसे बनाना तो बच्चों का काम है क्योंकि ये सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट से बनेगा। और यहाँ पर इसे डेकोरेट कैसे करना है इसकी मैंने फुल आइडिया दी है क्योंकि बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखना है। तो मैंने एक स्टैंड रखकर इसे ढककर धीमे आंच पर रखा है, तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 रुपए वाले 6 ओरियो के पैकेट लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको केक टिन लेना है, अगर आपके पास एल्यूमिनियम का केक टिन नहीं है तो आप घर का कोई भी स्टील का बोल या फिर स्टील की छोटी पतीली ले सकते हैं, उसमें भी ये केक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है क्योंकि आज हम यहाँ पर बिना बेकिंग पेपर या बिना बटर पेपर की ये केक बना रहे हैं। और इसके ऊपर अच्छे से मैदा डस्ट करना है और चारों ओर इसे डस्ट करना है ताकि अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। तो केक टिन भी तैयार है, अब हम केक का बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये ओरियो बिस्किट। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो व्हाइट क्रीम है इसे निकाल कर हम केक को डेकोरेट करेंगे, लेकिन इतने से क्रीम में आप पूरे केक को डेकोरेट नहीं कर सकते और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो मैं तो क्रीम के साथ ही ये सारे बिस्किट ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें जो बिस्किट के टुकड़े हैं वो ना रहे, अच्छा फाइन पाउडर बनने तक पहले आपको ग्राइंड करना है। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। मैंने जो पानी वाला कप लिया है, मतलब जो कप लिया है वो 200 ml का है। तो आप ध्यान रखें ज़्यादा बड़ा कप ना ले वरना बैटर पतला हो जाएगा। और इसमें डालेंगे हम 1 teaspoon बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छे से ग्राइंड करने के बाद देखिए केक का बैटर बन चुका है और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो इसमें हमने ना तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, ना ही स्पून का, ना ही बेकिंग सोडे का, ना ही दूध का। बहुत आसानी से ये केक का बैटर बन चुका है और इसे डालने के बाद हमें हल्का सा टैप करना है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। अब केक का टिन रख कर हमें इसे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए धीमे आंच पर पकने देना है। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग सकते हैं 180 डिग्री पर। तो लगभग 35 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए केक अच्छे तरीके से फूल चुका है और बहुत ही स्पंजी और बहुत अच्छा बना है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसमें स्टिक डाली तो ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब केक अच्छे से पक चुका है। और मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस पहले दिखा देती हूँ। पानी से भी ये केक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं तो कहूँगी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा केक आप घर पर सिर्फ 3 चीज़ों से बना सकते हैं। तो आपने देख लिया ये कितना सॉफ्ट बना है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद आपको इसकी साइड के एरिया को पहले चाकू से छुड़ा लेना है और उसके बाद प्लेट रखकर इसे पलट देना है। हल्का सा टैप करेंगे तो केक बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। ये देखिए बिना बेकिंग पेपर या बटर पेपर के आप केक बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और इसकी सॉफ्टनेस देखिए, ठंडा होने के बाद भी ये कितना सॉफ्ट है ना, बहुत आसान तरीका। तो चलिए अब क्रीम के बारे में आपको बता देती हूँ। तो मार्केट में जो व्हिप क्रीम मिलती है उसी से ही केक के लिए आप क्रीम बनाएं, मतलब उसे व्हिप करें तभी आपकी व्हिप क्रीम बनेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमूल की जो फ्रेश क्रीम है उससे क्रीम बनेगी या नहीं, तो उससे क्रीम बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसे आप जैसे ही बीट करेंगे तो वो क्रीम बनने की जगह दूध बन जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 25% ही फैट होता है। तो अगर आपने बहुत सारे वीडियो अगर यूट्यूब में देखे हैं कि जिससे अमूल की फ्रेश क्रीम से व्हिप क्रीम बनती है, तो ये सारी बातें फेक हैं। आप बिल्कुल ऐसे क्रीम ना बनाएं वरना आपके पैसे और मेहनत दोनों वेस्ट होगी। तो ये बात सही है या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब जो हमारी क्रीम है वो भी रेडी है, व्हिप क्रीम। और केक को हम अब कट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर केक के 3 लेयर करेंगे। अगर आपको ऐसे कट नहीं करना है तो आप बिना कट करे भी इस क्रीम को, मीन्स ये जो केक है, इसे डेकोरेट कर सकते हैं।
तो चलिए पहले लेयर पे हम ये क्रीम लगा लेते हैं। आज मैं यहाँ पर शुगर सिरप नहीं लगा रही हूँ क्योंकि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम ज़्यादा इस पर शुगर सिरप लगाकर क्रीम लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अब लेयर बाय लेयर इस पर क्रीम लगाते जा रहे हैं और सारे लेयर पर क्रीम लगाकर हमें इसे कवर करना है। ये ट्रिक मैं आपको मीन्स ये जो तरीका है केक लगाने मतलब ये क्रीम लगाने का तरीका मैं आपको बार बार इसके लिए दिखाती हूँ ताकि आप घर पर क्रीम कैसे लगाते हैं मतलब केक को डेकोरेट कैसे करते हैं ये समझ सकें। बहुत आसान होता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है केक को डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए हम इसे कैसे डेकोरेट करते हैं ये आप देख लें। और ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आपके घर में कोई भी फाइल का पेपर हो या फिर डाइनिंग टेबल का कोई मैट हो प्लास्टिक जैसा हल्का सा जो मोटा होता है उससे अगर आप साइड के एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे मतलब इसे डेकोरेट करेंगे तो बहुत आसानी से बिल्कुल प्लेन केक कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से आइसिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आप एक दो बार करेंगे तो इसे करना सीख जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल शार्प एजेस वाला केक बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसे कैसे डेकोरेट करेंगे चॉकलेट से ये भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है व्हिप क्रीम और इसे माइक्रोवेव किया है 30 सेकेंड के लिए। अब इसे हमें पॉलीथीन में डालने से पहले चेक करना है ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने रिफिल पैक एक पॉलीथीन ले ली है, इसमें हमने ये चॉकलेट डाल दी है मेल्टेड चॉकलेट, लेकिन ये ठंडी गर्म बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे थोड़ा सा हम कट करेंगे ताकि हम इस पर डिज़ाइन डाल सकें। तो देखिए जैसे हम इस पर एक एक ड्रॉप डालते जा रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन जाती है जो कि बाज़ार के महंगे महंगे केक के ऊपर होती है, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत अच्छी डिज़ाइन आप देखिए बिना पाइपिंग बैग के भी बना सकते हैं। और फिर से हमने रिफिल पैक पॉलीथीन में व्हिप क्रीम डाल दी है और इससे हम एक एक बड़े बड़े डॉट बनाएंगे। तो ये देखिए आसानी से ये भी हो गया, मतलब हमें यहाँ पर ना ही नोज़ल की ज़रूरत है और ना ही पाइपिंग बैग की, फिर भी आप घर पर बहुत ही खूबसूरत केक बना सकते हैं और वो भी बहुत ही कम खर्च में। तो ये देखिए सारे डॉट्स हमने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें एक एक चेरी लगानी है। देखिए अब तो ये कितना सुंदर दिख रहा है, लग रहा है आपको कि आपने घर पर बनाया है इतने आसान और इतने अच्छे तरीके से। बीच में हमने एक छोटी सी कटोरी रखी ताकि हमें पता चले कि हमें यहाँ पर चॉकलेट की शेविंग कैसे रखनी है, अगर कभी कभी ये उधर इधर फैल जाती है इसके लिए मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए अब हमारा ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार हो चुका है। इतने इजी तरीके से तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस रेसिपी को देखिए बनाइए, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़